आज चाइल्ड लाइन बिलासपुर 1098 व मानव सेवा संस्थान बरठी द्वारा चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह 14 से 21 नवंबर संडियार गांव में मनाया गया, जिसमें चाइल्ड लाइन टीम सदस्य रीना कुमारी ने बच्चों को 1098 के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जिसमें गुमशुदा बच्चे, शोषित बच्चे, घर से भागे हुए बच्चे जिन्हें सुरक्षा एवं सहायता की जरूरत है वह 1098 पर कॉल कर सकते हैं। यह टोल फ्री नंबर है और 24/7 उपलब्ध है। इसमें 0 से 18 साल के बच्चे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वह बच्चे जिनसे बाल मजदूरी करवाई जा रही है वह भी इसमें कॉल कर सकते हैं, वह सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति जो बच्चों से बाल मजदूरी करवा रहा है तब भी इस बारे में शिकायत दर्ज करा सकते हैं और जिस व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज करवाई जाती है उसका नाम भी गोपनीय रखा जाता है। इस प्रोग्राम में बच्चों से भाषण प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया व बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन टीम द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान वैष्णवी ठाकुर, द्वितीय स्थान त्रिषा ठाकुर, तृतीय स्थान पारुल ठाकुर ने हासिल किया। इस मौके पर सड्यार व सयोथा एकल स्कूल के आचार्य एवं लगभग 70 बच्चों व लोगों ने भाग लिया। बच्चों से काम करवाने के कितने पैसे लोगे, बस सोचकर देखो, खुद के बच्चों को आपकी जगह काम हो जाएगी। चलो सब मिलकर एक अच्छा काम करें, बच्चों को बाल मजबूत से मुक्त करें। जय श्री राम। बाद उस बच्चे को 2 घंटे का रेस्ट और उसका मतलब खाने पीने का ठीक समय और मतलब खाना खा और 3 घंटे में यानी कि पूरे दिन में 6 ही घंटे काम कर सकता है। और आपको लग रहा है कि कोई बच्चे से ज़्यादा काम करवा लिया जा रहा है, जैसे मजबूरी है, कोई गरीब बच्चा है उसको कहीं लगना पड़ रहा है। बिलासपुर से आपका फैसला टीवी के लिए ब्यूरो चीफ विजय कुमार की रिपोर्ट।